अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है, कैसे आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज का व्लॉग मैं यहीं से शुरू करती हूँ। सुबह का टाइम हो चुका है और यहाँ पर मुझे फजर की नमाज़ पढ़ी जा रही है। तो जी मैं जैसे हम आप लोग को पता है कि मैं शादी में गई हुई थी, तो फिर क्या बोलते हैं, इतनी थकावट से मुझे नींद नहीं आती है। तो फिर कितनी भी थकी हुई ना, मुझे नींद नहीं आती है, पता नहीं क्यों मेरी एक ये वाली आदत है। तो क्या हुआ कि मैं जैसे ही आई 11 बजे घर पर, तो फिर जल्दी से चाय बनाई। चाय बनाने के बाद मम्मा लोग से बैठे बातें की, फिर मैंने खाला की कॉल आई, उनकी थोड़ी बहुत तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर वो मम्मी से पूछ रही थी। तो फिर वो कब से बातें कर करके 2 बज गए थे। तो फिर अम्मी और हम सब लोग बैठे हुए थे वापस से बातें करने के लिए, फिर 4 बजे का टाइम भी हो चुका था, तो फिर सो गए थे सब लोग। तो फिर मैं जाग रही थी ब्लॉगिंग की एडिटिंग करने के लिए, ताकि मुझे तकरीबन एडिट करने में 2 घंटे लग जाते हैं, वॉइस ओवर ये वो लाना धमकाना। तो जी यही हो गया था। और सुबह 6 बज गए थे, तो फिर मैंने फजर की अजानें सुनी। मैंने कहा चलो भाई रिदा उठो, पहले नमाज़ पढ़ लो। फिर मैंने नमाज़ पढ़ने की नैल पेन लगा हुआ था तो उसको रिमूव किया, फिर नमाज़ पढ़ी। ये है कि नमाज़ पढ़ने से ना बस ऐसा लगता है कि दुनिया जान की हर खुशियां मिल गई हो, कसम से मुझे यही लगता है। कभी कभी कज़ा हो जाती है मेरी, मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी नमाज़ें कज़ा नहीं हो, तो हो भी जाती है कभी कभी कज़ा के ना, कहीं जाते हैं आते हैं तो इसकी वजह से। तो जी यहाँ पर मेरी नमाज़ चल रही थी, तो यहाँ पर मैं इतना हिलती हूँ नमाज़ में, मेरी अम्मी इतना गुस्सा करती कि तुम नमाज़ में इतना हिलती। चलो जी मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको बाहर आसानी। चलो जी नमाज़ मैंने पढ़ ली और यहाँ पर मैं तस्बीहात पढ़ रही हूँ। तो जी मैं आज आपको ये वजीफ़ा बता रही हूँ कि ये वजीफ़ा पढ़ने से अल्लाह पाक हर दुआ कबूल फरमाते। ये मेरा आजमाया हुआ वजीफ़ा है। कभी कभी फ़ौरन दुआ कबूल हो जाती है, कभी देर से होती है, पर होती ज़रूर है। अगर सच्चे दिल से यकीन से आप लोग दुआ करेंगे, इस वजीफ़े को आप पढ़ेंगे तो ज़रूर कबूल होगी दुआ। तो जी आपकी मर्ज़ी, आप कितनी भी तस्बीहात पढ़ लें, एक पढ़ें, दो पढ़ें, तीन पढ़ें, चार पढ़ें, जितनी पढ़ें तो फिर पढ़ेंगे तो फिर अल्लाह पाक ज़रूर ज़रूर दुआ कबूल फरमाएंगे। ये बहुत ही आजमाया हुआ वजीफ़ा है। तो जी आप लोग भी ज़रूर पढ़िएगा तो अल्लाह पाक सबकी दुआओं को। चलो जी यहाँ पर मैं दुआ मांग रही थी अल्लाह पाक से, तो मैं जो भी दुआ मांगती हूँ अल्लाह पाक मेरी ज़रूर कबूल फरमाते हैं। और मैं खुद हैरान हो जाती हूँ कि मैं जैसे ही हाथ उठाती हूँ तो अल्लाह पाक दुआ कबूल फरमाते हैं मेरी। तो मेरी यही दुआ है अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। तो जी मैं अपने व्लॉग को यहीं पर ही एंड करती हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर आने नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलती रहे। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट्स में कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चलो जी यहाँ पर मैंने कुरान पाक भी पढ़ रही थी, तो मुझे ये सूरह यासीन, तो यही था आज का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड कॉमेंट्स।